नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मल्टीपैकर शेयर की बात करेंगे जिसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की है, लेकिन अभी वो अपने लोअर सर्किट पर चले, यानी कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से उसमें लोअर सर्किट कंटिन्यू लगा हुआ है। तो ऐसे में बहुत ही एक अच्छा मौका है उस शेयर को खरीदने का। तो देख लेते हैं कंपनी का क्या डिटेल बनता है, कब खरीदना चाहिए, कब उसका लोअर सर्किट हटेगा, कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेस की। अगर इस कंपनी की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 392 करोड़ का, जबकि अगर आप बात करेंगे इसमें फेस वैल्यू के तो 10 रुपए का इनका फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है 9.64 रुपए का। अगर इनके आरओई की बात करें तो आप देखेंगे 49.5% की आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि आरओसीई की बात करें तो आप देखेंगे 40.4% की। यानी कि जो ग्रोथ है इस कंपनी का वो काफी ज्यादा कमाल का है। अगर डेप्ट की बात करते हैं तो 26.2 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, लेकिन कैश की बात करते हो तो आप देखेंगे 6.68 करोड़ कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये जो लेवल था इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, और कंपनी इस लेवल पर काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करती रही, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक हुआ आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई लगा चुका है, यानी कि पुराना जो इसका हाई था उसको तोड़कर उसके भी ऊपर निकल चुका है, और उसके बाद ही इस कंपनी में लगातार करेक्शन चल रहा है। तो ऐसे में इसमें हमें कब एंट्री करनी चाहिए उसकी बात करेंगे। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, यानी इस कंपनी का हम लॉन्ग टर्म का डेटा देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे 10 साल में 21%, 5 साल में 48%, 3 साल में 59%, और 1 साल में आपको 219% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। जबकि आरओई की बात करें तो आप देखेंगे 5 साल में 15%, 3 साल में 38%, और लास्ट ईयर आपको 49% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करते हैं या फिर कंपनी के सेल ग्रोथ की बात करते हैं, ओवरऑल सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। पिछले 4 सालों से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेते हैं तो आप देखेंगे रेवेन्यू कंपनी का लगातार हर साल काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, जबकि अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी कोई कमी नहीं है, ग्रोथ जो है वो काफ़ी कमाल की ग्रोथ है। 2.7 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था 2018 में, जबकि 2019 की बात करें तो आप देखेंगे 4.25 करोड़ का, 2020 की बात करते हैं तो 14.5 का था, और वहीं बात कर लेते हैं 2021 की तो आप देखेंगे 29.36, यानी कि ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी कमाल का, लगभग आपको दुगने से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं और डिटेल कंपनी का, यानी कंपनी के चार्ट की बात करें, कंपनी कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है उस लेवल की बात करें तो आप देखेंगे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो 49 रुपये का इनका पहला सपोर्ट बनता है, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 44 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये 44 रुपये के आसपास संभल कर फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर इस शेयर में लगभग आपको 30 रुपये के आसपास तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन 44 रुपये के आसपास अगर ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो फिर इसका क्या टारगेट होगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो कंपनी रुकेगा तो है नहीं। 44 रुपये पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर जाहिर सी बात है 52 रुपये का पहला टारगेट, और उसके बाद आपको अगला टारगेट 60 से 62 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा जल्दी, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस शेयर को खरीद सकते हैं, चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने पैसे यानी जो कैपिटल आपको इस शेयर में लगाना है उसको 2 से 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला आप लगा सकते हैं 40-45 रुपये के आसपास, दूसरा अगर ये नीचे जाता है तो 40 रुपये के आसपास, उसके बाद 35 रुपये के आसपास, और इसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लान कर सकते हैं और इस शेयर को खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, तो कभी ना कभी तो ये रिकवर करेगा ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म से ये इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरे ख्याल से इस शेयर को आप अपनी पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।